नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। बड़े ही धूमधाम से दिसम गुरु शिबू सोरेन ने मनाया जन्मदिवस। झारखंड के पूर्व सीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने आज गुरुवार को 80वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर 80 पाउंड का केक काटा गया। दिसम गुरु के मोरहाबादी आवास पर जन्मदिन मनाया गया। मौके पर उनके पुत्र व झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। लातेहार में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले में अमन साहू गिरोह के 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन साहू अपने सहयोगी मयंक सिंह एवं जेल में बंद अपराध कर्मी आशीष कुमार साहू उर्फ पकौड़ी के साथ मिलकर अमन साहू के कहने पर रोहित कुमार अपने सहयोगियों के साथ संवेदक व व्यवसायी जिन्होंने रंगदारी नहीं दी उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। ये लोग बालूमा थाना क्षेत्र के कर्माकटवा जंगल में व्यवसायी की हत्या एवं आगजनी की योजना बना रहे थे। इससे पहले पुलिस को इसकी योजना की जानकारी मिल गई और समय रहते पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई की और इन्हें धर दबोचा। झारखंड में सड़कों का जाल, 5,200 किलोमीटर का निर्माण पूरा, एनएचआई की 40,000 करोड़ की परियोजना पर चल रहा है काम। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने 4 साल की उपलब्धियां गिनाई है। बृहस्पतिवार को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि झारखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पिछले 4 साल में 5,200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। 4,600 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहा कि झारखंड भवन समेत अन्य कई भवनों का निर्माण बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 साल में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे राज्य में पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग ने बेहतर कार्य किया है। लंबित योजनाओं को पूरा करने के साथ नई योजनाओं की स्वीकृति और पूर्व की योजनाओं को पूर्ण कर जनता को सौंपा जा चुका है। पलामू के झोलाछाप डॉक्टर पर टीपीसी उग्रवादियों ने किया फायरिंग। झारखंड के पलामू जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर पर उग्रवादियों ने फायरिंग की है। घटना पलामू के नोडिया बाजार थाना क्षेत्र के सराइडी बाजार में हुई है। इस झोलाछाप डॉक्टर का नाम मनोज कुमार है। बताया गया कि टीपीसी के उग्रवादियों ने मनोज कुमार पर 3 बार फायरिंग की है। हालांकि गोलीबारी में वो बाल बाल बच गए। सूत्रों ने बताया कि मनोज कुमार एक झोलाछाप डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक भी खोल रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का इलाज करने वाला ये झोलाछाप चिकित्सक ठेकेदारी भी करता है। उग्रवादियों ने उनसे लेवी मांग की थी, लेवी नहीं देने की वजह से ही उस पर उग्रवादियों ने हमला किया है। कोटमा सीट को लेकर माले ने भी शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। भाकपा माले इस बार राज्य में कोटरमा सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसे उम्मीद है कि ये सीट महागठबंधन के कोटे से उसके खाते में आएगी। इसके लिए राज्य इकाई अभी से पूरी तरह से तैयारी में लग गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कैडर को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस से 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक भाकपा माले जनता के बीच पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। भाकपा माले की संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता इलाके का दौरा करेंगे और कमजोर बूथों को चिन्हित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में झारखंड के जमशेदपुर और बोंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें जमशेदपुर और बोंडू को क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। देश भर के 4,000 से ज्यादा शहरी निकायों में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई। इंदौर और सूरत को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। झारखंड के 2 शहरों को क्लीन सिटी अवार्ड मिला, जिसमें लोहानगरी जमशेदपुर को 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में तो 25,000 से ज्यादा आबादी वाले नगर निकायों में बोंडू को क्लीन सिटी का पुरस्कार मिला है। झारखंड राज्य के कई जगहों पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिवस पर काटा केक। सरायकेला जिले के झामुमो सदस्यों की ओर से झारखंड आंदोलन के जननायक एवं झारखंड राज्य के निर्माता दिसम गुरु शिबू सोरेन एवं झारखंड आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले वीर सांसद शहीद सुनील महतो का जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर केक काटकर लोगों के बीच वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने दिसम गुरु की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर झामुमो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, जिला उपाध्यक्ष अमृत महतो, प्रखंड अध्यक्ष जगदीश महतो, शंकर मुखी, पारितोष दास, भोमरा मांझी, विक्रम मंडल, बेनी माधव महतो, उदय मार्डी, उत्तम दास, महेश्वर महतो समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने की गीता कोड़ा से बात।
पश्चिमी सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो खरमास के बाद भाजपा में शामिल होंगी। इधर कांग्रेस ने भी क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सांसद गीता कोड़ा को फोन कर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने को कहा है। श्रीमती कोड़ा को बताया गया कि गुरुवार को राजधानी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पार्टी रणनीति बनाएंगी। वहीं यात्रा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड दौरे की संभावना पर भी प्रदेश के नेता प्रभारी के साथ चर्चा करेंगे। साहिबगंज में सीबीआई की 5 जगहों पर रेड, संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक मैनेजर से पूछताछ। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट में गुरुवार को सीबीआई की 5 टीमों ने 5 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने भारतीय स्टेट बैंक, उसके संचालक के घर एवं 3 बिचौलियों के घर समेत कुल 5 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीएसपी से लाखों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर सीबीआई ने रेड की है। छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम भारतीय स्टेट बैंक पहुंची और शाखा प्रबंधक मुक्ति लकड़ा से ट्रांजैक्शन को लेकर जानकारी ली। गिरडी के 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोकोको ऐप से चैट कर करते थे ठगी। प्रतिबिंब पोर्टल से गिरफ्त में आए क्रिमिनल्स। झारखंड में साइबर क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। गिरडी पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बेगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 3 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। प्रेस वार्ता कर गिरिडीह के एसीपी दीपक कुमार शर्मा ने ये जानकारी दी है। गुमला में बाघ का आतंक, कामडारा में 4 गायों पर किया हमला। गुमला जिले में बाघ का आतंक है। कामडारा में बाघ ने 4 गायों पर हमला कर दिया है। एक गाय को खा गया। बाघ के हमले में घायल 2 गायों की मौत हो गई है। जिले के घाघरा और बंशिया के बाद कामडारा प्रखंड में भी बाघ का हमला हुआ है। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन पर्यावरण एवं जलवायु प्रमंडल गुमला के डीएफओ व सीएफ ने विभागीय कर्मियों के साथ कामडारा के घटनास्थल एवं आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान वन विभाग की टीम को घटनास्थल पर बाघ के बाल तथा पंजे व स्कैट के निशान मिले हैं। डीएफओ अहमद बिलाल अनवर ने बताया कि सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए देहरादून भेज दिया गया है ताकि पता चल सके कि बाघ ने किस तरफ से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा प्रखंड के सभी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत सोनवा के स्कूल के बच्चों स्कूल जाने के लिए गुरुवार की सुबह सुबह घर से निकलकर सिटी बजाते हुए अपने स्कूल के बच्चों को जमा करते हुए स्कूल गए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।